धन्नों ने लगभग 3 साल तक साजिद खान के दिल पर किया राज। फिल्म से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में साजिद खान ने जैकलीन को दी खास जगह। साजिद खान दुनिया की परवाह किए बिना जैकलीन के साथ पब्लिक इवेंट्स पर साथ नजर आते थे। यहां तक कि जैकी को लेकर पूछे गए सवालों पर साजिद मीडिया को ही नसीहत देने लग जाते। मैं कभी आपके मोरी में नहीं झांकूंगा, आपके बाथरूम में नहीं झांकूंगा, आपके बेडरूम में नहीं झांकूंगा, और मैं आपको मेरे बेडरूम में, मेरे घर में नहीं झांकने दूंगा। इट्स दैट सिंपल। मैं आपकी प्रिवेसी रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी प्रिवेसी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन अब जब साजिद और जैकी का ये अटूट प्यार पुरानी बात हो चुकी है, साजिद खान और जैकलीन अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। और साजिद जैकी का ये रिश्ता टूटा ही नहीं बल्कि इसमें आ गई है कड़वाहट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो पर्सनल लाइफ में आए इस भूचाल से साजिद और जैकी की प्रोफेशनल लाइफ भी अछूती नहीं रही है। खबरों की माने तो साजिद खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म हमशक्ल से जैकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और साजिद के इस डिसीजन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह इन दोनों स्टार्स का ब्रेकअप आना जा रहा है। सोर्सेस का कहना है कि साजिद ने फिल्म हमशक्ल की स्क्रिप्टिंग के दौरान ही ये फैसला कर लिया था कि जैकी उनकी फिल्म की हीरोइन होंगी, लेकिन अब साजिद ने अपने इस फैसले को बदल दिया है और जैकलीन की जगह एक्ट्रेस ईशा गुप्ता को साइन करने का फैसला किया है। दरअसल साजिद पर्सनल लाइफ में मिले इस सदमे से भी पूरी तरह उबरे नहीं है और वो नहीं चाहते कि जैकी के साथ फिल्म हमशक्ल में काम करके अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें। और लगता है खुद को जैकी की यादों से दूर रखने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वेल, स्टार्स हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की बात करते हैं, लेकिन जैकी और साजिद के इस बिगड़ते रिश्ते को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड स्टार्स के रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।